एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जान दर, फिर भी रहती है खफा खफा। सैंडी यार तुम भी दुआ करो ना। ओफो मैडी छोड़ो मुझे, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्यों यार, जब जीतती है तो अब सेलिब्रेट भी ना करें। बस कर दो, चार मैच तो हार गए, अब एक मैच जीत गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी है, मतलब यार बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और फिर हमारी पाकिस्तानी टीम जैसी टीम तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और फिर वो मेरे लंबू, उसकी तो बात ही कुछ और है। लंबू? वो कौन है? लंबू इरफान, जिसको मैं अनकरीब प्रपोज भी करने वाली हूँ। तुम उन्हें प्रपोज करने वाली हो राइट? और पता है शादी के बाद हम दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी? हाँ मैं बताती हूँ कैसी लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे सरसों के खेत पे लंगड़ी चिड़िया बैठी है। कुछ जल रहा है? क्या जल रहा है? तुम्हारा दिल। मैं जलूंगी, और वो भी तुमसे। और नहीं तो क्या, और वो उस वक्त जब मैं मिसेस इरफान बन के ना उनके साथ बहनों ने मुल्क आया जाया करूंगी, और वो भी जब मेरे पेपर्स और न्यूज में इंटरव्यूज आया करेंगे। शट अप मैडी, और जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बिल्कुल भी नहीं, जो पाकिस्तान के जीतने में खुश नहीं हो सकता ना, उसे ना चाय मिलेगी और ना ही नाश्ता। मैडी आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। हाँ बिल्कुल भाई, अब जुमाना है तो बोलो भी ना। मैडी मैं तुम्हें क्या नाम था उसका, क्या नाम था मैडी? शकूर भाई। हाँ? शकूर भाई बोला ना बाबा, मैं फैंसी पे काम नहीं करता है, फिर खाली पीली टाइम खोटा क्यों करता है? हाँ? क्या ये एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस करते हैं? नहीं तो फिर ये फैंसी का क्या चक्कर है? ये तुम मैंने चुप नहीं कर सकती, तुम्हें बकवास नहीं बंद होती। सॉरी ये तो चलता ही रहेगा। अब आप बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। अब शकूर भाई मैं क्या बताऊं, आपको तो पता चल ही गया होगा। हाँ? क्या ये कोई पीर फकीर है? माय सेल्फ शकूर दाने वाला, अल मरूफ शकूर भाई। शकूर दाने वाला? अब लेकिन आप किसे दाना डालते हैं, कबूतरों को या फिर आंटियों को? बकवास बंद करो। दाना वाला? जाहिर बात है दाने ही डालते होंगे ना। क्यों शकूर भाई, ठीक कहा ना मैंने? ना अभी ये सब ठीक है, लेकिन भाई नहीं बोलने का ना। क्या मतलब? अभी बोले तो तेरे को भी दाना डाल सकता है और तेरे को मिसेज दाने वाला बना सकता है। जी जी शकूर भाई, अब हम कोई काम की बात कर लें। पहले घर तो बस जाने दो, काम की बात बाद में भी हो जाएगी, क्यों बबली? जी जी मैं चाय लेके आती हूँ। बैठ जाओ यार, पहले काम की बात तो कर लें, फिर चाय भी पी लेंगे। अभी जाने की जिद ना करो, इधर से उठ के नहीं जाना है, इधर ही बैठ दो बस। शकूर भाई प्लीज। ओके तो तेरे को अपना सेटअप बनाना मांगता है हा? जी सेटअप, लेकिन किस चीज का? हम बुक ओपन कर रहे हैं। बुक? लेकिन कौन सी बुक? क्रिकेट मैच पे शर्त लगाने का बस। व्हाट?
मुझे ना आपसे ना एक बात और पूछनी थी। तुमको बोलने का जरूरत नहीं है, वो तो मैं तेरी आंखों में कब से पढ़ रहा हूँ। जी क्या मतलब है? शादी का सारा खर्च मेरा, नो बरात, नो जहेज, नो शादी हार, ओके? नो जहेज, नो बरात, क्या मतलब है आपका? तुमको समझने की जरूरत नहीं है, जिसने समझना है वो समझ चुकी है। क्यों मिसेज दाने वाला, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? सनी इसको ना चुप करवा लो, नहीं तो मैं कम से कम इसका सर जरूर तोड़ दूंगी। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। वैसे तुमने पूछना क्या था? यही कि हम सिर्फ मैचेस ही करवाएंगे ना। हाँ बाबा, और क्या, सारी बैटिंग मैचेस पे ही तो लगती है। नहीं नहीं, उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिस पे बैटिंग लगती है। जैसे कि मसलन के फैंसी, कलीजोटा। फैंसी और कलीजोट, ये क्या है? फैंसी का मतलब है कि मैच के हर ओवर के आखिरी फिगर पे बैट लगाना। हाँ लेकिन वो कैसे? मैंने चुप कर जाओ, तुम इतनी डिटेल में क्यों जा रही हो? तुम बोले तैयारी का क्या करना है? तैयार क्या करना है, सब कुछ तो रेडी है। तो फिर फाइनल के बाद संडे का दिन कैसा रहेगा? लेकिन किस लिए? तो बोले तो तेरी मेरी शादी के लिए। आज की तो कमाई होगी और पूरी 55,000। वैसे यार अब बाकी दिनों की मिला के कितनी कमाई हुई है? अब बाकी सबके पैसे निकाल कर 5,45,000। वाओ यार, सिर्फ 4 दिनों में इतनी अच्छी कमाई, इसी खुशी में फिर आज तो एक शानदार डिनर बनता ही है ना। सोचना भी मत। क्यों, मतलब इस कमाई में से डिनर करना मना है क्या? मैंडी जब तक हमारा बिजनेस सेटल नहीं हो जाता और हम आंटी का उधार नहीं चुका देते तब तक तो बिल्कुल भी मत सोचना, मना समझो। लेकिन क्यों? देखो अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के 2 बड़े मैच बाकी हैं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रकम होनी चाहिए लगाने के लिए। आप समझ आई गूफ लड़की? इसका मतलब है कि नान चने और सब्जी हमारी किस्मत में आएगी है, जिसे हमारे कभी जान ही नहीं छुटनी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी अभी बड़ी पड़ी है। हाँ मुझे अच्छे से पता है, ये तुम ना सिर्फ मेरे लिए कह रही हो और जो खुद छुप छुप के खाती रहती हो ना मुझे सब पता है। मैंने तुम्हें तुम्हें हेलो शकूर भाई, अभी हम आप ही की बात कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपका कमीशन रेडी है। जी जी चले ठीक है, ओके बाय। लेकिन यार सैंडी मुझे भी तो कुछ बताओ ना यार, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है और कब आ रहा है? कुछ मत पूछो मैंडी, बस ये समझ लो कि हमारा जैकपॉट लगने वाला है। यार लेकिन कुछ बताओ तो सही ना, कैसे? लगता वो आ गए, जाओ जल्दी जाके दरवाजा खोलो। क्यों, तुम्हारे पैरों में क्या प्लास्टर जड़ा हुआ है? शट अप मैंडी, जल्दी जाओ, जल्दी करो। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम अलैकुम, कैसी आप? डब्बे में डब्बा, डब्बे में गुब्बारा, आ गया शुक्र दाने वाला फिर तुम्हारा। थैंक यू थैंक यू, बैठो। नो थैंक्स, मेरे पास टाइम कम है, टू द पॉइंट बात हो जाए तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, तो सर आपका तारुफ? ये है जी दिलावर बेग साहब, ये मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड के दोस्त हैं। सर तो बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे असल में 2 काम हैं, एक तो सेमीफाइनल और फाइनल पर बैट लगाना, वो भी पूरे 2 करोड़ की। कम है तो पेमेंट बढ़ाई जा सकती है। हाँ, बढ़ाई भी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
3 करोड़ पे भी जा सकती है। नहीं सर, क्या अमाउंट बढ़ाएंगे ये? आप 2 करोड़ तो अच्छी खासी अमाउंट है। तो दूसरी बात सर, और दूसरी बात ये कि मुझे अगले सीजन के लिए शोएब मलिक या हफीज में से किसी एक को बुक करना है, और शुक्र भाई बता रहे थे कि ये काम आप दोनों बड़ा आसानी से कर सकती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ही काम कैसे, हम कर सकते हैं सर, हम बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हम पूरी टीम को भी बुक कर सकते हैं। टीम को? सर नहीं, बकवास मत करो यार, हम तो अब पीसीबी के गेट के अंदर तक एंटर नहीं हो सकते, तो पूरी टीम के हमारे पुप्पा जी बुक करवाएंगे। चुप कर जाओ, 2 करोड़ की अमाउंट है, सोचो अगर हम ये जीत गए ना तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे, कोई बिजनेस ही नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यार शट अप मैंडी, शट अप। मैं पूछ सकता हूँ कि आपके सोर्सेज क्या हैं? आई मीन ये कैसे होगा? सर देखें, हम एक खास पैनल के थ्रू वर्क करते हैं, और हमारे ना इस पैनल के हेड है यासिर शाह, और हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उन्हीं के साथ करते हैं। ओके, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? मिलवाने को छोड़ें जी, काम तो आपका हो ही जाएगा। संडी वैसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। क्या कर रही हूँ मैं? वो जो तुमने उन क्रिकेटर का नाम लेकर ये बोला है कि वो अपने करियर में मैच फिक्सिंग करते रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, और तुमने उनके बारे में ये सब गलत दिलावर सबको क्यों बोला है? हाँ तो फिर? फिर ये कैसे होगा? पीसीबी के एक ऑफिसर के जरिए। और कैसे? पीसीबी के ऑफिसर के जरिए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है पीसीबी का कोई ऑफिसर भला? हाँ बिल्कुल, और वो ऑफिसर पीसीबी से नहीं, स्टूडियो से आएगा। और अब वो दिलावर साहब क्या उनसे मिले बगैर मान जाएंगे? ओहो मैडी, अभी हमें उनसे सिर्फ एडवांस पकड़ना है, और फाइनल्स और बाकी सीजन्स के आते आते अब मैं कुछ सोच लूँगी या कोई जुगाड़ लगा लूँगी। फिलहाल तो मैं साजिद भाई को कॉल करती हूँ। जी हेलो साजिद भाई। वाओ सनी, ऑफिस तो कितना जबरदस्त है, और एसी भी कितनी जबरदस्त कूलिंग कर रहा है ना? बिल्कुल, और तुम्हें पता है ये रूम है किसका? नहीं, हमारा। और रियली? यस, अब हमें यहाँ बैठ कर ना गेम खेलनी है, जो लोग हारेंगे उनसे पैसे लेने हैं, और जो लोग जीतेंगे उनको पैसे देने हैं। ओ गॉड सैंडी, हमारे पास तो एक लिपस्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम जीतने वाले को पेमेंट कहाँ से करेंगे? मैंडी, तुम्हारा दिमाग ना किसी सरकारी अलमारी की तरह हमेशा बंद ही रहता है। देखो, जो बेट्स हम जीतेंगे उनसे हमें पैसे मिलेंगे, और अगर हम हारे तो उन्हीं पैसों से हम लोगों को पैसे दे देंगे। सिंपल। यार सैंडी, इतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम ना समझ रही हो, और तुम्हें पता है ना कि अगर पुलिस ने रेड की तो हमारा हशर क्या होगा? तो तुम्हें क्या लगता है जितनी भी इस किस्म की बुकें हैं पुलिस को उनके बारे में नहीं पता चलता? तो तुम्हारा मतलब है कि? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है जो तुम समझ रही हो। लेकिन यार फिर पुलिस को संभालेगा कौन? पुलिस को शकूर भाई संभाल लेंगे। हाँ, और हमें इस काम की ट्रेनिंग कौन देगा? शकूर भाई। हाँ अच्छा, और इस सेटअप के बारे में लोगों को बताएगा कौन? शकूर भाई। और कुछ नहीं, बस तुम सारी चीजें अच्छे से समझ लो। इस दफा मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो, और अगर तुमने कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मैं पहले से जानती हूँ। क्या? ये कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अब बस मैं जो भी बोलूंगी ना तुमने बस यस यस बोलना, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आप फिक्र ही ना करें मैडम, मैं सब समझती हूँ। यार सैंडी देख लो, अब मुझे तो अभी से बड़ा ही डर लग रहा है। यार मैंने क्या हो गया, सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। एक दफा हमारी डील डन हो जाए उसके बाद देखना, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। लेकिन यार सैंडी कैसे, ना तो ये कोई ओरिजिनल अफसर है, और ना ही हम किसी ऐसे नए पुराने क्रिकेटर को जानते हैं, और ना ही किसी ऐसे आदमी को जो हमारा ये काम करवा सके, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल में हम किसी प्लेयर को कैसे बुक करवाएंगे?
सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की बात मैंने शकूर भाई से कर ली है, और रही बात प्लेयर्स को बुक करने की, तो उसके लिए मैंने एक बुकिया से बात की है जो हमारे लिए प्लेयर्स को बुक कर देगा। और सॉरी, वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप आए बैठे। वो आए नहीं आपके, वो क्रिकेटर क्या नाम था उनका? अब सर अब वो ना अनफॉर्चुनेटली मुल्क से बाहर है, तो उनकी जगह हमने इनको बुलाया। ये कौन है? जी ये वो है जो असल में है ही नहीं। क्या मतलब? अब सर अब ये ना साजिद फरीदी साहब हैं, और उनके बाद सब यही देखते हैं। ओके, ये होते कहाँ पे हैं? सर ये पीसीबी में होते हैं, और आप समझिए सिलेक्शन से लेकर। मैं अपने पार्टनर को बुला लूँ ताकि एक ही वक्त में सारी बात फाइनल हो जाए। श्योर सर श्योर। तो क्या बुलाने? अब मैंडी तुम ऐसा करो, अब जाओ अच्छी सी चाय बना कर लाओ और स्नैक्स भी लेकर आओ, जाओ। जी सर, आए प्लीज। सर ये हैं वो दोनों जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। सर मैं वो बज गई ना बैंड, आप समझो लंबे ही अंदर। सर मैंने ना मैंने कुछ। शट अप! आप क्या समझते हैं कि आप इन जैसे कॉमिक क्रिकेटर्स का नाम लेकर इन्हें बदनाम करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इन जैसे कॉमिक क्रिएटर्स को खरीद सकते हैं, इनको बुक कर सकते हैं? सर वो ये सब ना अब ये सब शकूर भाई ने किया है। वो भी इस वक्त हमारी हिरासत में है, और आप लोग भी जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो गए। सर प्लीज आप हमें माफ कर दें, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। पकड़ के ले जाए सर इनको।